अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनके उनको बहुत 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 शुक्रिया। और आज का दिन मेरा थोड़ा लेट शुरू हुआ है क्योंकि बहुत टाइम मुझे आज बहुत काम था और कपड़े भी धोने के लिए थे, तो इसीलिए मुझे बहुत टाइम लग गया घर सफाई करने में, कपड़े धोने में, इसलिए वो सभी काम किया है। तो बहुत टाइम लगता है मुझे और ब्लॉग स्टार्ट करने में बहुत लेट हो गया, दोपहर का टाइम हो गया। ये हाय बोल रही है आप लोग को। कैसे हो? मैं मोबाइल लेके बैठती हूँ, कभी बोलती है कभी नहीं बोलती है, पर आज खुद से बोल रही है। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत बोल जा रहा है आज के वक्त, क्योंकि बहुत पता नहीं टाइम कैसे जा रहा है, पर बहुत बहुत ज़्यादा बोल लग रहा है और करने के लिए भी कुछ नहीं है कि मैं जा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब मैं रहती हूँ उधर बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह हो गई है और बहुत पानी भर चुका है। और घर में रह के ना मैं बहुत बोर हो गई हूँ। अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा अच्छा होएगा तो इधर बाहर जाने के लिए घर से इतना दूर निकलूँगी। बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ घर में बैठ बैठ के और नींद भी नहीं आती है, दिन में सो भी नहीं पाती हूँ, ज़्यादा काम भी नहीं होता है, जल्दी काम हो जाता है। हालाँकि आज काम ज़्यादा था तो आज इतना नहीं हुआ बहुत, और फिर ब्लॉग बना रही हूँ, थोड़ा टाइम भी घर भी चला जाएगा। तो फ्रेंड, आप लोग बताइए कि आपका दिन कैसे जा रहा है? ये बारिश लग रही है और तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? आपका मन लगता है कि नहीं लगता है? और वैसे घर में मन नहीं लगता है, जो मैं कंटेंट लेगी बाहर जाती हूँ खुद से और शॉपिंग वगैरह जो भी मुझे करनी होती है, या फिर पर ईद के बाद से ना बिल्कुल बंद कर दूँ, किधर भी नहीं गई हूँ, बस ईद की शॉपिंग के लिए ही गई थी या फिर अभी ईद अजहा की शॉपिंग के लिए गई थी, बस इधर नहीं गई शॉपिंग। वैसे भी मैं इधर पंजाब में रहती हूँ तो इधर ना ज़्यादा शॉपिंग एरिया नहीं है, बहुत कम है और ज़्यादा मतलब जो मुझे पसंद है वैसे नहीं मिल पाता है, बहुत ढूंढना पड़ता है, ज़्यादा कुछ मिलता है। ये वापस से आ गई है कल के। अभी ना मैं फुल डे रूटीन की आपके साथ शेयर करूँगी तो मैं बाथरूम में बैठ के आपके साथ रूटीन शेयर नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं कपड़े धो रही थी ना। एक्चुअली मेरे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है तो मुझे हाथ से ही कपड़े धोना पड़ता है, इसीलिए ना वो टाइम लग जाता है, तो मैं आपके साथ वो सब शेयर नहीं कर पाई। और आज क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठी थी तो हस्बैंड के लिए भी ना जल्दी जल्दी खाना बनाया था, इसीलिए ना मोबाइल याद ही नहीं रहा मुझे, सुबह में लेट हो जाता है ना तो जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है और हस्बैंड को टाइम टू टाइम जॉब के लिए भेजना पड़ता है, वरना फिर बोलते हैं कि सब लोग जगह चले जाते हैं और तो मुझे लेट करवा देती है, तो इसीलिए उठने के बाद ना मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाते हैं जब तक मेरा पूरा काम नहीं हो गया। जब घर में कोई भी काम रहता है ना तो मोबाइल घर नहीं देता है मुझे, और जो कभी के साथ रहती मुझे पूरा काम हो जाता है तभी रहती हूँ। क्या रहेंगे आज मैं बाबू गंदी बात की डांस करो हम लोग
ही देखते हैं। तो यहाँ हमारे हाथ में रिमोट ले लेगी और सीधा इसको गाना लगा हुआ होना चाहिए, बस गाना लगता नहीं घर में तो ही इसको अच्छा लगता है। हम चलते हैं खाना बनाने की तरफ, खाना बनाएंगे अभी। टीवी को बंद कर देते हैं, अभी कुछ काम नहीं है, खाना ही बनाना है। बहुत टाइम हो गया है वैसे भी। आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ दाल, हाँ दाल और रोटी बनाने वाली हूँ, और भी बहुत कुछ है पर नहीं, राइस अभी नहीं बनाऊँगी, दाल और चावल सुबह में बनाऊँगी। अभी दाल और रोटी स्टार्ट ही है बस से, और अभी मौसम बहुत खतरनाक हो रहा है, बारिश का फूल पूरा दिन ना आज धूप, पर अभी वापस क्या आ जा क्या छुपा छुपा समझ नहीं आता क्या बोल रही ना, बहुत ठंडी हो गई है और रात में भी ना हम लोग फैन बंद करके ही सोते हैं, खाली दिन में ही चलाते हैं थोड़ी देर के लिए मैं, और दिन में भी ज़्यादातर गर्मी ही रख रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी है ना उसको सर्दी लगती है और फिर उसको जुकाम भी आ गया था, अभी और ज़्यादा ठंडी लगेगी उसको तो और ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। और मेरे हस्बैंड को ना ज़्यादातर मेरे हस्बैंड ना मेरे लिए ज़्यादातर ब्लैक कलर के ही ये कपड़े लेके आते हैं। वैसा नहीं है कि मैं एक ही चीज़ बार बार पहनती हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पिछली बार भी ब्लैक कलर की टी शर्ट में ब्लॉग बनाई थी, तो फ्रेंड वैसा नहीं है, मेरे पास ना ब्लैक कलर की बहुत सारी टी शर्ट रखी हैं और मैं ना सलवार सूट बहुत कमी के साथ पहनती हूँ, ज़्यादातर ना टी शर्ट ही पहनती हूँ। इधर वैसे भी ज़्यादा यही चलता है, मैक्सी वगैरह मुझे पसंद नहीं है और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगता मैक्सी वगैरह पहनना, तो टी शर्ट ही ज़्यादातर मैं पहनती हूँ, ज़्यादातर नहीं इधर टी शर्ट ही पहनती हूँ मैं। मैंने कुकर चढ़ा दी हूँ, कुकर चढ़वा दिया है और दाल बनाना बाकी है बस थोड़ा सा। मैंने दाल को पूरा रेडी कर दिया है, अभी बस गैस ऑन करना है, बाकी पूरा हो चुका है प्रोसेस। ये देखिए, ये देखिए बनने के लिए बिल्कुल रेडी है, सब कुछ डाल चुकी हूँ मैं, बस मैं पूरा इसको रेडी कर दी हूँ मसाला वगैरह डाल के, अभी बस गैस ऑन करना है, कर देते हैं। दाल का फिनिश हो गया है, अभी बस रोटी बनानी है, ज़्यादा टाइम लेने में नहीं लगेगा उसको, भी लगेगा और देख हम लोग वापस। तो फ्रेंड आप क्या बनाने वाले हैं आज? इसको गुस्सा आ गया है, ये देखिए कैसे चिल्ला रही है, इसको गुस्सा आ गया है,
ये बहुत गंदी बच्ची है। इसकी पिटाई करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। हेलो हेलो। बाहर देखिए अच्छे से बारिश बारिश हो रही है। ये मेरा किचन। पूरे दिन में ना काम करने के लिए कुछ नहीं होता, पर आराम कर करके भी ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, जैसे कि अभी मैं थक चुकी हूँ। और काम भी ज़्यादा नहीं है, पर कुछ नहीं करते हैं ना तो ऐसे लगता है कि हाथ पैर ना मतलब अजीब सी फीलिंग होती है एकदम, जैसे कि हम लोग बीमार हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं, वैसा फील होता है। और काम करते रहते हैं ना तो अच्छे से रहते हैं। बाबू 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 ले क्या बाबू। अभी ना ये रोने लगी है, तो आज के लिए बस इतना ही। व्लॉग छोटा ही होने वाला है अभी ना, मैं छोटा ही व्लॉग बनाऊंगी क्योंकि अपने अपने पास भी ज़्यादा समय नहीं है, अभी पूरा दिन लग रहा है। क्या हुआ? और ये भी ना रोने लगी है, तो फ्रेंड बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज, बाय, टाटा, बाबू टाटा करो, बाय बाय फ्रेंड। और प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय, अल्लाह हाफिज़।